जनाब रूट, मतलब क्या कर रहे हैं आप? आप अटूट हैं वो तो मान गए, लेकिन क्यों हमारे सारे देखिए फैंस जा रहे हैं रूट? क्योंकि रूट को आउट करना ये मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आता है। पहले मैच की पहली पारी में अर्धशतक, दूसरी पारी में शतक, दूसरे मैच की पहली पारी में 180 रन, दूसरी पारी में भी हाईएस्ट रन स्कोरर, इस पारी में एक और शतक। आई मीन लॉ ऑफ एवरेजेस भी कुछ होती है जनाब, कभी मतलब आउट होने का कुछ तो मोड बनाइए, वरना अपने आधार कार्ड को ना हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाइए ताकि भारतीय बन जाइए। आई मीन दिस देयर इज नो अदर वे टू स्टॉप जो रूट, ही वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। दूसरा दिन भी जो है वो इंग्लैंड ने जीता है, ऑफकोर्स इंडिया ने 8 विकेट चटकाया, ऑफकोर्स थोड़ी सी कोशिश मेहनत मशक्कत किया पर नॉट गुड इनफ, बात करेंगे उसके बारे में। कुलदीप यादव वॉज देयर एट फॉर आवर वॉच अलॉन्ग, तो ये बड़ी मजेदार एक्चुअली ये हमारी गुफ्तगू थी, तो उससे मैं आपको एक बार फिर रूबरू करा देता हूं। आज का मेरा ट्रिविया ये है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी, सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी, सबसे बड़ी नॉट ओपनिंग साझेदारी, एनी साझेदारी, द हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप बाय टू इंडियन बैट्समैन इन टेस्ट मैच क्रिकेट। क्या आप जानते हैं वो दो बल्लेबाज कौन थे? हैशटैग आकाशवाणी और इस पे इंग्लैंड और इंडिया की कहानी। ऑफकोर्स इंडिया इंग्लैंड की कहानी है, जहां पर पहला दिन तो खराब हो ही गया था, आपने 78 पे कुल अपने सारी विकेट गवा दी, सामने वाली टीम ने 120 रन बना दिए, कोई आउट नहीं हुआ है। दिन की शुरुआत ईशांत शर्मा करते हैं, आई गेट सरप्राइज, मैंने कहा यार क्यों कर रहे हो आप, मतलब ईशांत तो पहले दिन भी थोड़े से फीके लगे थे, ऑफ कलर लगे थे, इट डजंट हैपन विद हिम ऑफन, पर आपने वो किया और ही इज बीन स्ट्रगलिंग। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत जो है वो आप जो शुरू में आप विकेट ढूंढ रहे हैं, विकेट नहीं मिलती, पहला घंटा जस्ट क्वाइटली चला जाता है, रन बन रहे हैं एक तरफ, रोरी बर्न्स है सामने, हसीब हमीद है, इवेंचुअली जाके रोरी बर्न्स आउट होते हैं जब मोहम्मद शमी आते हैं और डंडे पे उनके बॉल मारते हैं, बहुत अच्छी बॉल थी, राउंड द स्टंप्स स्टंप्स पे जाके लगती है। बैटिंग के लिए आ जाते हैं डेविड मिलान, अब बुमराह जिन्होंने नई बॉल से मतलब या कहें दिन की शुरुआत नहीं की, ही वॉज गुड यार, ही वॉज बोलिंग बाउंसर बाउंसर बाउंसर, इकोनॉमिकल सर पे भी बॉल मारी, सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर विकेट वहां मिला नहीं। ही वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल इंडियन बोलर, पर विकेट लेस थे उस समय। डेविड मिलान आते हैं, डेविड मिलान छाते हैं, आई मीन ये अलग ही कहानी है कि जो खेल रहा, अब हालांकि T20 के लिए जाने जाते हैं बट ग्रेट फर्स्ट क्लास नंबर्स दिस गाय हैज, वहां पे रन बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं, बट वहां पे फिर हंसी हमी का हो जाते हैं। रविंद्र जाडेजा अच्छी गेंद टप्पा पड़ता है, हर किसी घूमती है, टॉप ऑफ ऑफ जाके लगती है, ओ फैंटास्टिक जड्डू ब्रिलियंट, लेकिन कितना वो गए और फिर क्या, मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, आई मीन आ गए जो रूट भाई भाई साहब, फिर आए और छाए, मतलब अनबिलीवेबल, ये जो इनके आंकड़े हैं दे आर सेंसेशनल, क्योंकि नवंबर 2019 विराट कोहली है 27 टेस्ट सेंचुरीज, नवंबर 2019 रूट हैड 16 टेस्ट सेंचुरीज, ऑगस्ट 2021 विराट स्टिल हैज 27 टेस्ट सेंचुरीज, जो रूट हैज 23, पिछले समय में कोविड वाला टाइम है जब सबने कम टेस्ट खेले हैं, ही इज ऑलरेडी स्कोर्ड 7 सेंचुरीज, और ये श्रृंखला देखे तो मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई साहब, पहले मैच से अभी तक ही जस्ट गोइंग कॉन्स्टेंटली, और जो मजेदार बात है ना कि ईगो को अलग रखा हुआ है, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, अगर हमने देखा वो जैसे केएल राहुल थे, पर रन बनाते तो कंप्लेसेंट हो जाता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है आदमी कि भाई चलो बॉल देखिए बल्ला चला दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, बिल्कुल परसेंटेज क्रिकेट अच्छे से खेल रहे हैं, स्टिल स्कोरिंग एट अ वेरी ब्रिस्क पेस, और इस बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे फील्डर आप जहां लगाओगे ना उसके आजू बाजू में चौके मारूंगा, कभी इधर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल बॉस। शतक पर आउट हुए, चले बुमराह की गेंद थी जाके आउट हुए, बुमराह वाज अनलकी, और इतनी अच्छी बॉलिंग कोई करे तो वो 3-4 विकेट ले जाता है, नॉट टू बी, पर शामी ने अच्छा किया, 3 विकेट उनके खाते में गए, सिराज ने इवेंचुअली 2 विकेट भी चटकाए जिसमें वो करण के खिलाफ बाउंसर था, मलान के खिलाफ थोड़ा भाग्य वाला विकेट था, जड्डू के खाते में भी 2 सफलताएं, एक बार हसीब अमीद दूसरी बार मोइन अली, शामी ने बेस्ट और बटलर दोनों को आउट किया, और उससे पहले वो रोडी बॉल्स को आउट कर चुके थे, कुल मिला के ईशांत वॉज वेरी एक्सपेंसिव, पर अभी भी सामने वाली टीम बहुत आगे है यार, अभी इतने सारे रन बन चुके, अभी भी 2 विकेट हाथ में है, अब तीसरे दिन से सिर्फ मैं एक चीज की उम्मीद करता हूं, जीत के लिए, जीत तो चौथे दिन भी नहीं आ सकती, आप पूरा दिन अगर आज बैटिंग करो पूरे दिन कल बैटिंग करो तो भी जीत नहीं सकते, क्योंकि इतनी पीछे पहुंच चुके हैं, मतलब सामने वाली टीम इतनी आगे भाग चुकी है, पर लड़ाई तो हो सकती है ना, लड़ाई का जज्बा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में इस पारी में आज के दिन और कल के दिन अगर बैटिंग में लड़ाई नहीं की ना तो ये मैच नहीं, आप श्रृंखला हार जाएंगे, क्योंकि ना माहौल बदल जाएगा कंप्लीटली, अगर आप एक बार फिर 150-250 पे आउट हो गए, मान लीजिए 423 रन उन्होंने बना दिए हैं, कितने 340-50 रन आप ऑलरेडी पीछे पिछड़े हुए हैं, अगर आप इसमें से मान लो 150 पे दोबारा ऑल आउट हो गए, पहली इनिंग में 78 दूसरी इनिंग में 150-200, यू आर डन एंड डस्टेड, देयर विल बी टू मेनी क्वेश्चंस, तो मेरा यही मानना है कि आज के दिन अच्छा खेलेगा भारत, लड़ाई करेगा, ये टीम जो है बाउंस बैक करती है, लड़ाई करती है, नेवर गिव अप नेवर गिव इन वाली है, एंड दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस टीम, लड़ाई की उम्मीद है मुझे, रोहित शर्मा से बड़े रन की उम्मीद है मुझे, और मुझे लगता है आज के दिन इंडिया
चार पांच विकेट से ज्यादा नहीं गवाएगा, छह से कम कम विकेट गवाएगा। मैच ये भारत चाहे हार जाए पर बिना लड़ाई के नहीं हारेगा, इस उम्मीद के साथ चलिए मुलाकात कराए तो आपकी कुलदीप यादव से, क्योंकि ही वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल इन दैट इंटरव्यू। प्लीज टेल अस कि कमबैक क्यों इतना कठिन होता है, क्या आपको लगा कठिन था? बिल्कुल बिल्कुल टफ होता है, क्योंकि जब आप रेगुलर खेलते हैं तो आपको इतना प्रेशर फील नहीं होता है परफॉर्मेंस का भी। आपको पता है कि अगर आप एक मैच में फेल होते तो नेक्स्ट मैच 2 दिन के अंदर है, फिर उसके बाद आपको टाइम मिलता रहता है, आपके मैचेस रेगुलरली होते रहते हैं तो उतना प्रेशर फील नहीं होता। जब आप टीम से बाहर होते हैं फिर आप खेलते हैं परफॉर्म नहीं करते फिर बाहर होते हैं फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। उस टाइम आप सोचते हैं कि आपके लिए हर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं श्रीलंका में खेल रहा था तो मुझे यही था कि मुझे परफॉर्म करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले उतनी अच्छी सीरीज गई नहीं थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वो एक सॉर्ट ऑफ कमबैक जैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि डेब्यू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फील वैसे ही आ रही थी क्योंकि यंगस्टर काफी टीम में थे तो उनके साथ ऐसा लग रहा था कि डेब्यू कर रहा हूँ। तो प्रेशर बहुत होता है परफॉर्म करने का, बट या जब आप रेगुलर खेलते हैं तो उतना फील नहीं होता, बट जब आप ब्रेक के बाद खेलते हैं तो आप उसको फील करते हैं। क्वारंटीन काफी लंबा था और उसके बाद श्रीलंका पहुंचे, सीरीज रीशेड्यूल हुई तो काफी लंबी आगे हो गई, तो उसके बाद जो बीच में प्रैक्टिस मैचेस खेले उससे बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया मैंने। उसमें मैंने 2 मैच खेले थे, 2 मैच में 5 विकेट लिए थे, तो वहां से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, जो मेरी स्किल है मैं उस पर ही काम करूंगा और बॉल को हमेशा स्पिन कराने में ज्यादा ध्यान दूंगा, ना कि फ्लैटर या कुछ फेंक के। मेरा वो प्लान नहीं था, मैं सोचा था कि मेरी ये स्किल है इस पे ही मैं आउट करूंगा। और जब पहला मैच खेला तो पहला ओवर बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि हाँ एक जगह बॉल डालनी है, तो जब पहले ओवर मैंने बॉल डाला, 2-4 बॉल डाली, लकीली शायद लेफ्ट हैंडर फंस गया था तो और कॉन्फिडेंस आ गया कि बॉल स्पिन हो रहा था, तो 1-2 बॉल बीट हुआ पहले ओवर में, तो फिर नॉर्मल लगने लगा कि अभी एक अच्छी जगह मैं पकड़ के बॉल डाल रहा हूँ। तो ये मेरे दिमाग में उस टाइम आया था और बॉल को स्पिन कराने का मैं ज्यादातर देख रहा था क्योंकि श्रीलंका में बॉल अच्छा टर्न हो रहा था, तो मुझे बस एक जगह बॉल डालनी थी, यही मेरा उस टाइम प्लान था। फिर मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैच के बाद काफी सेटल हो गया था, फिर मुझे अपने वेरिएशन काफी अच्छी तरह से यूज कर रहा था। उसके बाद T20 खेला, T20 में भी चढ़ के बॉलिंग कर रहा था, अपनी बॉलिंग एंजॉय कर रहा था, हमेशा विकेट के लिए देख रहा था कि मैं कभी भी आउट कर सकता हूँ, और हमेशा यही था कि मैं मेरी अप्रोच ये थी कि मैं आउट करना, विकेट लेना है, विकेट लेना है ताकि गेम में बने रहें। एक्चुअली बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि अगर आपके कोचेस आपके साथ अभी पहले काम किया हो तो वो आपको अच्छी तरह से समझते हैं, बट कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि कम्युनिकेशन जो लेवल है वो बहुत नीचे, आपको खुद भी नहीं पता होता है कि आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या टीम आपसे क्या चाहती है, तो उस टाइम बहुत मुश्किल होता है समझना, और बहुत बुरा भी लगता है कि यार अभी कभी कभी आपको फील होता है कि यार मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे खेलना चाहिए और मुझे मैं परफॉर्म करके टीम को दूंगा, बट आपको कोई रीजन नहीं पता होते, आप बाहर बैठे हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो शायद क्योंकि सही बोला आपने, क्योंकि 12 महीने आप रहते नहीं इनके साथ, और जो भी मैनेजमेंट आता है उसका 2 महीने का प्लान जो भी होता है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो बहुत चैलेंजिंग है उनको उनको हर एक से बात करना, हर एक को समझना। तो मुझे लगता है कि अगर उनको थोड़ा और टाइम अगर मिले और टाइम बात करें, मुझे लगता है कि और बेटर हो सकता है, बट आई फील कि शायद पहले ऐसा नहीं था। अभी स्टार्टली लेटली अभी स्टार्ट हो गया, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कम्युनिकेशन लेवल बहुत नील था, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बट मुश्किल था मेरे लिए। जब आप नए जब टीम में आते तो आप हमेशा सोचते कि इम्प्रेस करना है सबको, कि जो आपके पास स्किल है उसको दिखाना है, बट जब आप कमबैक कर रहे होते हो तो आप हमेशा सोचते हैं कौन सी मैजिक बॉल पड़ जाए, विकेट मिल जाए पहले, और हमेशा दिमाग में रहता है कि हाँ डिफेंसिव भी बॉलिंग करनी, रन भी नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी आपके दिमाग में चलता रहता है कि चौके नहीं जाने चाहिए, स्पेशली वनडे या T20 खेल रहे तो आपके दिमाग में रहता है कि जितनी बॉलें डॉट हो जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बीच में विकेट आ गया तो अच्छा है। पहले दिमाग में आता है कि हाँ बॉलिंग एक जगह डालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक जगह बॉल डालते रहो, और उसमें विकेट आया तो फिर उसके बाद आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है,
बट या बहुत बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ज्यादा ट्राई करने में गया हूँ और सोचता हूँ कि ज्यादा स्पिन करा दूँ ज्यादा, क्योंकि श्रीलंका में बॉल अच्छा ग्रिप हो रहा था तो ये भी दिमाग में था कि ज्यादा स्पिन करा दूँ, और वो भी दिमाग में रहता है कि आप बहुत बॉल टाइट पकड़ लेते हैं और उसकी वजह से कभी कभी छोटा भी हो जाता है, तो ये भी चीजें होती है कि ज्यादा ट्राई करने में भी आपको रन पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें फील होती है जब आप फील्ड पे होते हैं। है ना मजेदार, बहुत मतलब खुद खुल के जो बात हुई ना अबाउट गेटिंग ड्रॉप्ड अबाउट मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। डू वॉच वॉच अलोंग, आइए देखिए दोपहर को, बहुत मिल जाएगा क्योंकि आज स्टीव हार्मिसन भी आएंगे, आज दानिश सेठ भी आएंगे, सो इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। पर और मैंने जो आपसे ट्रिविया पूछा था, भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी द हाइएस्ट पार्टनरशिप फॉर इंडिया हाइएस्ट एवर, इनो मंकट पंकज रॉय दोनों ओपनर्स 413 रन जोड़े थे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एट चेन्नई 1956 जनवरी। तो वीनू मंकट एंड पंकज रॉय जी ने बनाए थे इतने सारे रन बनाम न्यूजीलैंड, और एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग फैंटास्टिक। पर राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग जरूर पहुंचे थे इस आंकड़े के पास, सपाट विश्व मुकाबला था पाकिस्तान में, पर सबसे बड़ी जो साझेदारी वो इनकी थी। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके शॉर्ट्स में भी आकाशवाणी में थोड़ी देर के बाद। प्लीज लेट्स वॉच द वॉच अलॉन्ग टुगेदर एंड लाइक शेयर, ऊपर कमेंट सेक्शन में नहीं, ऊपर तो प्रोफाइल में पिन कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन को कर दीजिए। आज के लिए एकदम मिट्टी की ये पिच है, ओ गेंद मैंने देखी नहीं पर मेरा हुनर सबको दिखा दिया, ओ स्वैग है जनाब का, वाह।